तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज होना है। हमारे तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। पंकज मिश्रा हमारे साथ शिवाजी पार्क से जुड़े हैं, इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ रवि हैं और साथ ही सुभाष सिरके भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुभाष, आप तस्वीरों के जरिए दिखाइए और बताइए कि अभी किस तरह की हलचल है, क्या हो रहा है, क्योंकि आप मातोश्री पे मौजूद हैं। देखिए अभी मातोश्री में ज़्यादा हलचल तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने मातोश्री का जो मेन गेट है, यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर पर 500 मीटर पर उद्धव ठाकरे इनका बंगलो है। तो ये यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पर ज़्यादा लोग यहाँ पर है तैनात नहीं है, लेकिन हमें पता चला कि उद्धव ठाकरे अभी भी घर के अंदर है और रश्मि ठाकरे और तेजस ठाकरे सोफिटेल होटल जो नज़दीक में 5 सितारा होटल है वहाँ पर चली गई है। मैं आपको बताऊं कि अभी जो एनसीपी में ज़्यादा घमासान है, एनसीपी में अजीत पवार के समर्थक जो है वो अजीत पवार को पहले चरण में शामिल नहीं किया जा रहा है मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में, इसको लेकर नाराज़ है और उनका कहना है कि अजीत पवार को मंत्रिमंडल में तुरंत शामिल कर लिया जाए और उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। जयंत पाटिल जो है वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए शरद पवार ने उनको चुना था, लेकिन उसको चुनौती दी है अजीत पवार के समर्थकों ने और ये गहमा गहमी एनसीपी में जारी है। ठीक है सुभाष, हालांकि आप ये कह रहे हैं ये उनके समर्थकों का मानना है, उन कार्यकर्ताओं का मानना है, लेकिन दूसरी तरफ से उन किसानों की भी आवाज उठ रही है जो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए जरा फटाफट से विद्या हम पंकज का भी रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्या है, क्योंकि शाम 6:40 पर ये शपथ ग्रहण वहां पर होना है। जरा पंकज, चाहेंगे आप तस्वीरें भी हम तक दिखाएं और दिखाएं कि किस तरह की वहां पर तैयारियां चल रही है, साथ ही ये भी बताएं कि ये बाला साहब ठाकरे के स्मारक से ये जो मंच है कितनी दूरी पर है, कहाँ है, थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूँ सीधे उस भव्य स्टेज की जो इस वक्त तैयार किया जा रहा है उद्धव ठाकरे के शपथ के लिए। आपको बता दें कि इस स्टेज के बिल्कुल पीछे वो स्मृति स्थल है जहां पर बाला साहेब ठाकरे का उसे स्मारक के तौर पर जहां पर तमाम जो शिवसैनिक हैं उनका वो श्रद्धा का स्थल है। और एक ये जो भव्य स्टेज आप देख रहे हैं ये नितिन देसाई की तरफ से बनाया जा रहा है। नितिन देसाई वही आर्टिस्ट हैं जो लालबाग के राजा जैसे बड़े मंडप तैयार करते हैं और उन्हीं को ये भव्य स्टेज बनाने का काम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम समय मिला था क्योंकि 26 तारीख को ये देर रात ये तय किया गया था और 28 तारीख को शपथ हो रहा है, तो बहुत ही कम समय में इस भव्य स्टेज को यहाँ पर तैयार किया गया है। लेकिन इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए बड़ी तादाद में शिवसैनिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जिनमें जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, कहाँ से आए? हम अचलपुर से आए हैं, बाला साहेब ठाकरे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जिनका आजोड़ है वो, और वहाँ पे इसका हर्षोल्लास है। अमरावती जिले में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में इतना हर्षोल्लास है कि उद्धव जी साहब ये हमारे पक्ष के नेतृत्व करने वाले संयमी नेतृत्व है ये, और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, इसलिए हम इनके साक्ष्य बन के सब हजारों कार्यकर्ता की तादाद में यहाँ पे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे इनके। क्या उम्मीद है उद्धव जी से, क्या उम्मीद है आप लोगों को? सब काश्तकारों का जो किसानों का साथ बारा है सब वो कोरा करना है, बस यही हम किसानों की। जी पंकज, आपके पास लौट कर आएंगे।